को पानी पियो पानी पियो सुबह पानी दे दियो और किसी को उसको पानी दो माता को दो कहाँ कहाँ रखूँ बाबा को दो हे गाइस गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और गोलू रोज़ सुबह जब वो उठती है बहुत सारे प्लांट्स को पानी देती है आके। और गोलू थोड़ा लेट उठती है और आज धूप भी बहुत निकला है, लगता है बहुत गर्मी होगी। तो चलिए पहले ब्रेकफास्ट बनाते हैं। आज बनाएंगे उड़द के दाल का बड़ा, जो मेंदू वड़ा होता है। तो ये उड़द का दाल कल रात को ही मैंने पीस के रख दिया था, पानी में पहले भिगोया था 2-3 घंटा, फिर उसको पीस के रात को रख दिया था। तो ये इतना अच्छे से फ्लफ़ी जैसा पूरा फूल गया है, अच्छे से फॉर्मेंट हो गया है। तो इसमें मैंने चावल का आटा वगैरह कुछ भी मिलाया नहीं था, और अभी मैंने 2 चम्मच बस इसमें मिलाया है क्योंकि ये थोड़ा पतला हुआ था। तो अभी 2 चम्मच बस 2 ही चम्मच मिलाया है। तो ये देखिए अभी अच्छे से डाल सकते हैं, नहीं तो पतला हो जाने से बीच में होल नहीं होता है और अच्छे से डाल नहीं पाते हैं ऑयल में। तो ये अभी अच्छे से हुआ है। चावल भी मिक्स करके बना सकते हैं चावल का आटा, लेकिन जो उड़द का दाल में खाली बनाते हैं ना वो बहुत टेस्टी लगता है। तो अभी ये बनना चालू हो गया है, इतना बना है और बाकी बन रहा है। ये है गोलू के लिए रथ बनाया है, तो गोलू इसमें अपना भगवान जी को बिठा के घुमाएगी। और ये लास्ट ईयर बनाया हुआ था रथ है, तो ये टूट गया है हर जगह से क्योंकि बेड के नीचे, गोलू का बेड के नीचे रहता है तो टूट गया है, टूट फूट गया है और कलर भी बहुत डल हो गया है, मेला हो गया था। तो इसको बस मैं एक और बार कलर दे रही हूँ, तो कलर न्यू कलर कर देने से अच्छा दिखेगा थोड़ा। और इसका जो व्हील्स भी लास्ट ईयर बनाया था ना, जल्दी में बनाया था तो छोटा छोटा बनाया था, इस बार थोड़ा बड़ा बनाऊंगी मैं, नया व्हील्स बनाऊंगी और टाइम भी है तो उसको अच्छे से डेकोरेट भी कर दूंगी। तो बस इसको पहले अच्छे से कलर दे देती हूँ और उसके बाद मैं इसका व्हील्स बनाऊंगी। और भगवान जी जो हैं वो तो बनाया हुआ था लास्ट ईयर का है ही, तो उनके लिए नया चुन्नी वगैरह बस लेके आई थी, तो वो सब चुन्नी पहनाएंगे। और यहाँ पे 3 खम्भे हैं, एक और टूट गया है उसको भी चिपकाना है। और लास्ट ईयर ना कार्डबोर्ड का जो व्हील्स बनाते हैं उससे मतलब रथ खींचने से अच्छे से चलता नहीं है, तो इस बार मैंने गोलू का एक गाड़ी था, क्रेन था, क्रेन का ऊपर वाला पार्ट मैंने उसका सब स्क्रू खोल दिया है, नीचे का जो व्हील्स है उसी के ऊपर पूरा बेस है और व्हील्स भी लगा हुआ है, उसी के ऊपर मैं इस बार रथ को बिठाऊँगी ताकि वो जो गाड़ी का जो व्हील्स है उसी से चलेगा। बस इसमें जो व्हील्स है वो बस मतलब शो के लिए, देखने के लिए अच्छा ऐसे है, लेकिन नीचे में जो है वो गाड़ी का, उसका गोलू का जो गाड़ी है एक, उसी का बेस मैं लगा दूंगी नीचे में, तो अच्छे से खींचने से अच्छे से चलेगा रथ।
तो गोलू ने अच्छे से पूजा कर लिया है। जो पोहंडी करते हैं वो भी किया था, मेरे मोबाइल में पता नहीं मैंने क्लिक नहीं किया और रिकॉर्डिंग बस ऐसे कर रही थी, ऑन नहीं किया था तो वो ऑन नहीं हो पाया। बट उसने पोहंडी भी कर दिया है फूल से और धूप अगरबत्ती से पूजा भी कर लिया है और अभी वो अपने भगवान जी को घुमाएगी। अब बालकनी में लेके आ गई है तो बस अभी वो घुमाएगी। हम लोगों ने तो यहाँ पे ऐसे घर पे रथ यात्रा सेलिब्रेट किया है, लास्ट ईयर भी हम लोगों ने ऐसे किया था। तो आप लोगों भी कैसे सेलिब्रेट करते हैं मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए। और अगर आपको आज का मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। Sago, sago.